अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आप सब के लिए वीडियो के शुरू में यही दुआ करता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक सेहतमंद साले औलाद दे। तो कैसे हैं आप दोस्तों, आज फिर पगड़ी सर पर है, थका हुआ बहुत हूँ, सुबह से लगा हूँ। ये देखिए, ये जिप्सम है। ये जिप्सम जो है, ये सोडियम के जो साल्ट होते हैं ज़मीन के अंदर, नमकियात जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास नहरी पानी नहीं है, तो हमें 2 साल बाद 3 साल बाद ये जिप्सम ज़मीन में डालनी पड़ती है, क्योंकि ये सोडियम के साल्ट को नीचे दबा देती है और हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। वरना ये जो सोडियम के साल्ट हैं, ये पौधे की जड़ों को ज़ख्मी कर देते हैं, और हम जब खाद डालते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। तो अभी गंदम के लिए रेडी कर रहे हैं ये ज़मीन। आज सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता। बेगम साहिबा के काम देखो कि मैं सुबह से यहाँ लगा हुआ हूँ, दोपहर का टाइम है, अभी तक वो नहीं पहुँची। ये साकिब तो पहुंच चुका है इधर, मेरे ख्याल में स्कूल से छुट्टी हो गई है बच्चों को, वो भाई मेरे लेकर आए थे। हाँ साकिब, जुहैब किधर है? अम्मी तुम्हारी नहीं है आज, एक तो मुझे प्यास बड़ी लगी हुई है, कम से कम चाय तो पूछ जाती। आने दो इसको, आज इसे पूछते हैं भाई। एक आदमी इधर काम कर रहा है, अभी मैं इधर से घर जाऊँ तो फिर ये काम कैसे होगा। अभी मुझे बीज भी डालना है, खाद भी डालनी है, तो आओ साकिब जल्दी से थोड़ा काम कर ले। ये तकरीबन आधी मैंने डाल दी है, तकरीबन आधी बाकी है। इसका तरीका ये है कि ये देखिए, ये थोड़ी सी कसी में उठाई और ऐसे फैला दी, ये इसका तरीका है। ऐसे मालूम होता है जैसे वाइट चूना हो। ये देखिए, अब इसको टाइम मिला है, सुबह से कम आदमी का पता तो कर लेना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। साकिब कर लोगे? शायद कोई काम पड़ गया हो, जानवरों का घर में कुछ और भी काम होते हैं। तो आप मालूम हो गया है आपको भी, मुझे प्यास भी लगी हुई है और चाय भी देनी है। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा रही हैं, ये देखो ऐसे इसके काम देखो, मुस्कुरा रही हैं। तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज होने की बात नहीं है, ये देखो कितना काम है, सुबह से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। तो मैं घर में पारे को बैठी थी, जल्दी से पानी दो, मुझे प्यास बहुत लगी हुई। मैंने जानवरों को चारा डाला और बकरियों को भी डाला। जानवरों को चारा डाल के फिर तो आज़ाद होता है ना इंसान, चारा डाल के कितना टाइम लगता है चारा डाल, आराम करो, लग जाएगी यार, लग जाएगी। आपको पता है तुम्हारे, पानी दो सबसे पहले बस। आज मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि घर जाकर बेगम से पूछूंगा। बिस्मिल्लाह, क्या पूछेंगे? पानी की प्यास बहुत। वैसे तो मौसम सर्दियों का है, लेकिन जब किसान काम कर रहा हो तो उसे मालूम होता है कि अभी तक सर्दियों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि काम में पसीना आ जाता है, लेकिन इतना डाउन भी नहीं है टेम्परेचर के सर्दी महसूस हो।
अभी भी टेम्परेचर 28-30 के करीब होगा, रात को ठंड पड़ जाती है, नमी हो जाती है। आप तो चाय पी कर आई होंगी ना? हाँ, मैं पी कर आई। साकिब ने खाना खा लिया? अगर साकिब ने भी खाना खा लिया। किधर है वो? अंदर बैठा है, उसको लेकर आती, देख लेता इधर। बिस्मिल्लाह। बस ये चाय मज़ेदार बनाती है इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ कभी कभी। बस चाय मज़ेदार बनाती हो और कोई काम नहीं करती। तुम्हें चाहिए था, मैं जैसे आया था तो तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा बाद मालूम करना पड़ता है भाई इंसान उधर काम कर रहा है तो पानी या चाय बनाकर देनी है। अभी दोपहर हो गई है, मैं तकरीबन 10 बजे आया था। मैंने सोचा 1 बजे का टाइम है, 3 घंटे हो गए। आ जाएगा? नहीं, मैंने सोचा इधर अभी क्या वापस घर जाऊंगा, फिर इधर आऊंगा, फिर आना जाना, ऐसे काम नहीं होता। मगरिब से पहले पहले इसको आज इसकी बिजाई करनी है। आप मुझे कह कर आते तो मैं ले आती, ये तो मैंने खुद सोचा इतनी देर हो गई है तो अब ले जाऊँ। किन सोचों में गुम हो गया है, क्या कर रहा है यहाँ? आज उस्ताद ने क्या बोला था? सुबह बाल कटवाएंगे आपके सबसे पहले। हाँ, सुबह साकिब के बाल कटाएंगे, ज़ुहेब के भी, क्योंकि जुमतुल मुबारक है। पानी पीना है? पानी पी लो, पी लो पानी। स्कूल में दुआ पड़ी थी। तो बेगम साहिबा को अभी मैं इजाज़त दूंगा, अभी जो होना था वो तो हो गया। अभी तुम जाओ घर के काम काज करो, जानवरों के भी, और खाने का बंदोबस्त भी करो। मैं जल्दी से ये ख़त्म करके आता हूँ, बाद में खाद बीज भी डालना है तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। साकिब भी लग गया है मेरे साथ। इधर दो कहीं, साकिब इधर दो मेरे पास। बस ये ख़त्म हो गया है, आगे चलते हैं। बस थोड़ी देर लगेगी और। तो मैं घर वापस पहुंच चुका हूं, मेरी हालत देखिए। आज तो ये जो जिप्सम होती है इसमें पाउडर होता है ज़्यादा, ये तोसा से और खुशाब से आती है। जिप्सम के पहाड़ जो होते हैं वहाँ चक्कियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से इसकी पिसाई होती है, फिर उधर से 50 किलो फी बोरी के हिसाब से हमारे पास पहुँचती है। तो ज़मीनों के लिए अच्छी है, कलराठी, शोरज़दा, सेमज़दा ज़मीनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आज तो टाइम नहीं मिलेगा खाद का और बीज का, क्योंकि जिप्सम मैंने 50 बोरी थी और फी बोरी 50 किलो की। तो सुबह सवेरे इंशाल्लाह ये गंदम मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम डाल रहे हैं जी। हाँ, ये वैरायटी, ये मेरे ख्याल में अकबर है इसका नाम, वैरायटी का। पिछले साल भी अच्छी हो सकता ही थी इसकी, 50 मन फी एकड़ के हिसाब से। तो सुबह सवेरे खाद भी डालेंगे और DAP 1 बोरी, और ये दाने भी डालेंगे गंदम के, यूरिया भी आधी बोरी डालेंगे, क्योंकि बिजाई के टाइम नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दे देनी चाहिए। बाद में थोड़ी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा जो वो तो आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में भी, जब पानी लगाते हैं हम कैसे गंदम की तैयारी होती है, जैसे कपास की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। तो अभी मैं जल्दी से नहाऊंगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा बाकी है, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बेगम साहिबा ने तो मेरे साथ आज बहुत अच्छा सलूक किया, तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि कैसा रहा हमारा आज का ये काम। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो आप सबको दुआओं में याद रखूंगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। आप में से जो भी मरीज़ हैं, जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और बे औलाद अफराद जो हैं उनको भी अल्लाह ताला नेक साले और सेहतमंद औलाद दे। मज़दूर भाइयों को भी जो प्रदेश में हैं या अपने वतन में, उनको भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमन में रखे।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।